बात हो गई देख साहब। लेकिन अगर कोरोना हो गया ना तो सीधे ऊपर जाना है और एक से एक, एक से एक, एक से एक। मेरी बात सुनो, हम लोग खुद बस्ती में दिखवा रहे हैं जिसके वहाँ बिल्कुल खाने को नहीं है उसके वहाँ खाना भेज रहे हैं। अरे तो बाजी कोई एक घर है क्या? हमारे पास भी तो होना ना, कोई दुकानें खुली होगी, जितना हमारे पास उतना थोड़ा थोड़ा भेज देते, हम कहाँ से लाए खरीदे। लेकिन मेरी आखिरी बार मैंने गुजारिश करी है टीआई साहब से, अब अगर तुम निकली तो मेरा कोई धंधा नहीं है, मैं छुड़ाने नहीं आऊंगी। देखो है ना, क्योंकि मनीष सिंह जी ने भी मेरे को बहुत बातें सुनाई कि तुम्हारे खजराने की औरतें बहुत घूम रही है। अपने घर में इतना है ना कि दो चार दिन पूर जाएगा। अल्लाह है ना, अल्लाह भूखा उठाता भूखा सुलाता थोड़ी है। तो आप बेशक तुम घर में बैठो और खुदा के वास्ते नमाज पढ़ो, ये करो, ये मत निकलना छोड़ दो, लेकिन अब जिम्मेदारी मेरी नहीं। देखो मैं आप इन लोगों से बिल्कुल नहीं बोलूंगी आप लोगों को छोड़ दो। अब घर जाओ, अभी अभी थोड़ी देर बाद आपको इंशाल्लाह कर देंगे वो, मैंने बात कर ली कमिश्नर साहब से, थोड़ी देर बाद कर देंगे। लेकिन अब मैं निकलना, तुम्हारा हाथ जोड़ लेती हूँ मैं तुम्हारे सामने भी। ये बहुत लोग इंदौर पूरे हिंदुस्तान में दूसरे नंबर पे चल रहा है, इतने ज्यादा मरीज हो गए हैं, ये पूरी की पूरी बस्तियां साफ हो जाएंगी, अपन देखते हैं ना टीवी में। तो आप खुदा के वास्ते अब मत निकलना। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।